The chemical that we are going to discuss today is mercurous cyanide. ठीक है, साइनाइड ऑफ मर्करी इसका कॉमन नेम है और HgCN2 इसका केमिकल फॉर्मूला है. ठीक है, ये रेमेडी कब दी जाती है? ये ज्यादातर थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए दी जाती है. एग्जामिनेशन में भी इसके थ्रोट के जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इसमें इंटेंस रेडनेस मिलती है टॉन्सिल वाले एरिया में, और ऑब्वियसली अगर डिप्थीरिया है और टॉन्सिल वाले एरिया में रेडनेस है तो पर्सन को डिफिकल्टी होगी इन सॉल्विंग. स्यूडो मेम्ब्रेन्स कई बार फॉर्म हो जाते हैं फॉसेस के ऊपर, ठीक है, और कई बार थ्रोट वाले रीजन में भी, ठीक है, जिसकी वजह से जो एरिया है उसमें से प्यूट्रेड मतलब फीटेड स्मेल आती है, और कई बार इसका जो डिप्थीरिया है वो गैंग्रीन में भी या फिर अल्सरेशन में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, बहुत ज्यादा वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन मिलता है इसके पेशेंट में. इतना ज्यादा वीकनेस होती है इसे दैट ये पर्सन जो है ये इजिली खड़ा भी नहीं हो पाता. ठीक है, व्हेन इट करस्पॉन्ड्स टू द जीनस एपिडेमिकस, मतलब अगर आपने बहुत सारी केस टेकिंग करने के बाद कभी एक रेमेडी सेलेक्ट की, ठीक है, किसी एपिडेमिक डिजीज में, तो हम उसे जीनस एपिडेमिकस कहते हैं. और अगर ये किसी भी एपिडेमिक की जीनस एपिडेमिकस है तो हम इसको एज अ प्रोफाइल एक्टिव भी और लोगों को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ताकि वो भी उस एपिडेमिक से सफर ना करें. ठीक है, तो मर्क्यूरियस साइनाइड जो रेमेडी है ये इतनी ही थी. इससे एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज नथिंग बट इट्स डिप्थीरिया या फिर द सिम्टम्स ऑफ थ्रोट. ठीक है, थ्रोट के सिम्टम्स इसके एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन डू प्रिपेयर द डिप्थीरिया एंड द थ्रोट सिम्टम्स ऑफ मर्क साइनाइड. ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट मर्क साइनाइड. आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड.